अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई भी परिंदा रखने से पहले उसके आबाई इलाके, कुदरती माहौल जिसमें वो रहता है और उसकी कुदरती खुराक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में फिंच के लिए मटकी, घोंसला, पिंजरा, रोजाना की खुराक, एग फूड, सॉर्ट फूड, ब्रीडिंग फार्मूला, कैल्शियम, पानी, ग्रीन फूड, ब्रीडिंग टिप्स की तमाम मालूमात मिलेंगी। ज़ेब्रा फिंच टीनो पिगिया गुटाटा, ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में तैमूर और लेसर संडा जजीरे पर पाया जाने वाला सबसे आम फिंच है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में नीनी और जस्ट निक कट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ बारिशें ज्यादा हों और नदी किनारे घास के मैदान हों। ये घास की घाटियों और झाड़ियों में कलोनी की शक्ल में घोंसले बनाकर रहते हैं। एक कलोनी में 50 से लेकर 300 तक घोंसले हो सकते हैं। इसकी उम्र 5 से 9 साल तक होती है। ये जंगलों में दरख्तों, पौधों और घास के बीज खाते हैं। नर घोंसले की जगह तलाश करके सूखी घास और टहनियों से घोंसला बनाना शुरू करता है। फिर नर जोड़ा बनाने के लिए मादा को घोंसले में आने की दावत देता है। इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है। ये 2 से 8 अंडे देते हैं। ज्यादातर 5 से 6 अंडों की एवरेज होती है। पिंजरों में अच्छा पेड़ 6 बच्चे और नॉर्मल 2 से 3 बच्चे निकाल देता है। हैचिंग के 14 से 16 दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चे 35 दिन बाद सेल्फ होकर खुद खाना शुरू कर देते हैं। इनके बच्चे घोंसले से निकलने के बाद 10 से 15 दिन तक अपने वालदैन से फीड लेते रहते हैं। इनमें सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये अपने बच्चों के अलावा जो दूसरे ज़ेब्रा फिंच के छोटे बच्चे जो घोंसले से निकलकर जमीन पर नीचे गिरते हैं उनको भी फीड करवाते हैं। आम नॉर्मल ज़ेब्रा फिंच का रेट इस वक्त थोड़ा कम है, जबकि जंबो यानी किंग साइज के पेड़ का रेट ज्यादा है। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप कारोबार के लिए फिंच रख रहे हैं तो किंग साइज में रखें। जहां आपने नॉर्मल फिंच के 10 पेड़ लेने हैं, वहां आप जंबो साइज के 5 ले लें। इंशाल्लाह आपको मुस्तकबिल में उसका रिजल्ट और मुनाफा अच्छा मिलेगा। फिंच के ब्रीडर पेड़ लेने के बजाय 3 से 4 महीने के बच्चे लें, जब उनकी चोंच काली से सुर होने के करीब हो। जब बच्चों की उम्र 6 से 7 महीने के करीब हो तो मटकियां, बॉक्स और नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें। ज़ेब्रा फिंच में नर और मादा में फर्क करना बहुत आसान होता है। दोनों साइज में तकरीबन एक जितने, लेकिन नर के गाल के पर नारंगी, गर्दन पर काले रंग का कट, सीना सफेद और चोंच सुर होती है, जबकि मादा की चोंच हल्के ऑरेंज कलर की होती है। ज़ेब्रा फिंच बहुत छोटे साइज का परिंदा है, लेकिन इसके लिए मटकी का साइज छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, जिसको ये घोंसला बनाते हुए जल्दी भर ना सके। आज मैं मटकी बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मटकी को आपने 7-8 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रखना है। जब ये अच्छी तरह पानी से तार होकर नरम हो जाए तो इसको पानी से निकाल लें। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी किसी नुकीली बड़ी छुरी की या कैंची की। सबसे पहले पेंसिल से मटकी के ऊपर नीचे बराबर के फासले पर निशान लगा लें। फिर छुरी को इस तरह घुमाकर सुराख कर लें। अगर आपके पास छुरी बड़ी है या छोटी है तो फिर कैंची की मदद से इस तरह सुराख कर लें। अगर आप बिजली वाली ड्रिल से सुराख करेंगे तो सुराख और भी आसानी से हो जाएंगे। अगर आप बजरी पैड या लव बर्ड के लिए मटकी बना रहे हैं तो 2-3 सुराख काफ़ी हैं। फिंच गर्मियों में ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, इनकी मटकी हवादार बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मेन होल के बिल्कुल नीचे आपने सुराख करना है। ये मेरी इजाद है। ये तरीका पिछले 10 साल से मैं फिंच, जावा, बजरी, लव बर्ड की कॉलोनी में कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मटकी में सुराख करने के बाद अब आपने लकड़ी को सुराख के मुताबिक ब्रीक करना है। स्टिक की लंबाई परिंदों के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। सुराख में स्टिक लगाकर इस तरह हल्के से ठोंक कर फिट कर लें। बजरी और लाबड़ के लिए कीकर या सख्त किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करें। फिंच और जावा के लिए नरम मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टिक की बजाय चौड़ी लकड़ी लगाना चाहते हैं तो वो भी इस तरह बनाकर लगा सकते हैं। ये भी परिंदों के लिए बेहतरीन है। स्टिक या चौड़ी लकड़ी जो आपको बेहतर लगे लगा सकते हैं। कोशिश करें ऐसी मटकी लें जिसका मेन होल थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, क्योंकि ये बड़ा फुर्तीला परिंदा है। जब घोंसले से उड़ता है तो छोटे बच्चे इनके पैरों के साथ चिमट कर बाहर गिर कर एक्सपायर हो जाते हैं। स्टिक को आप इस तरह भी लगा सकते हैं। बज्जीज पैरट ऐसी स्टिक बहुत पसंद करते हैं। टी बनाकर भी लगा सकते हैं और क्रॉस बनाकर भी लगा सकते हैं। जिस तरह आपको बेहतर लगे आप लगा लें। आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। घास आप किसी खेत या फसलों की पगडंडियों से ले सकते हैं। घास की लंबाई कम से कम 4 से 6 इंच तक होनी चाहिए। सूखी घास मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना हरी घास को 2-3 दिन धूप में रखें। जब इस तरह खुश्क हो जाए तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नारियल का छिलका भी यूज कर सकते हैं। ये भी फिंच के घोंसला बनाने के लिए बेहतरीन चीज है। ये आप किसी नारियल बेचने वाले से फ्री में ले सकते हैं। इसको तिनका तिनका करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पहले इसको अच्छी तरह खुश्क कर लें, फिर किसी हथौड़ी से आस्ता आस्ता कूट कर नरम कर लें। कूटने से नारियल के छिलके को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। तिनकों को जितना ज्यादा अलग करेंगे उतना फिंच के लिए बेहतर है। इस तरह ये आसानी से इनको अपने घोंसले में ले जा सकेंगे। अब इनको पानी से धोकर धूप में रख के खुश्क कर लें। अगर आपको घास और नारियल का छिलका ना मिले तो आप चावल की फसल की पराली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराली को आप कैंची वगैरह से 6 इंच तक लंबा काट लें ताकि फिंच इसको उठाकर आसानी से घोंसले में ले जा सकें।
आप घास भी इस्तेमाल कर लें, नारियल इस्तेमाल कर लें या चावल की पराली, जो आपको आसानी से मिल जाए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने मटकी के अंदर थोड़ा सा कॉपिक्स पाउडर छिड़कना है, ज्यादा नहीं छिड़कना वरना फिंच और फिंच के बच्चे पाउडर खाकर बीमार हो सकते हैं। बस इतना सा चारों तरफ लगाना है ताकि कीड़े वगैरह इनको तंग ना करें। घास को आपने मटकी या बॉक्स में इस तरह गोल करके नीचे और चारों तरफ रखना है, ज्यादा नहीं रखना वरना फिंच किसी दूसरी फिंच का बना हुआ घोंसला समझकर इसके अंदर नहीं जाएगी। ये अपना घोंसला खुद तैयार करना ज्यादा पसंद करते हैं, बाकी घोंसले की सेटिंग ये खुद कर लेंगे। याद रहे मटकी के ऊपर ढक्कन ना हो, वरना ये मटकी के अंदर घोंसला बनाने के बजाय ढक्कन के ऊपर नेस्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपने फिंच से सर्दियों में अच्छी ब्रीड लेनी है तो आपको बगले के पर या कबूतर के पर या मुर्गी का गोश्त बेचने वाले से मुर्गी के परों की जरूरत पड़ेगी। परों को आप पानी में उबालकर साफ करके खुश कर लें, थोड़े से इनके घोंसले में रख दें, बाकी केज में रख दें, ये खुद नेस्ट में ले जाएंगी। इससे इनके अंडे गर्म रहेंगे और सर्दी की वजह से खराब नहीं होंगे। अब आपका नेस्ट और मटकी बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आपने लोहे की तार या टेलीफोन वाली सख्त तार लेना है। तार को मटकी के ऊपर इस तरह बांधना है। अगर आप दीवार से लटकाना चाहते हैं तो तार के सिरों को भी बांध दें, और अगर केज में बांधना है तो तार को ऐसे रहने दें। आप बिजली की तार के अंदर से लोहे की तार या सरिया बांधने वाली तार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाहे मटकी के साथ स्टिक लगाएं या इस तरह की लकड़ी। फिंच और जावा के लिए नरम लकड़ी भी चल जाएगी, लेकिन बजरी, लाबड़ और कॉकटेल के लिए कीकर वगैरह की सख्त लकड़ी इस्तेमाल करें। अगर स्टिक या लकड़ी ठीक तरह से फिट ना हो तो इस तरह की छोटी सी लकड़ी बनाकर साथ फिट कर दें। अब ये अच्छी तरह फिक्स होकर हिलेगी नहीं। तोते मटकी का गोल सुराख ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि फिंच के लिए अगर आप इस तरह का गुंबदनुमा सुराख बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, वरना गोल भी ठीक है, लेकिन सुराख बड़ा होना चाहिए ताकि फिंच घोंसला बनाते वक्त तिनकों को मटकी में आसानी से ले जा सकें। वैसे तो ये एक छोटा सा परिंदा है, लेकिन हर वक्त इधर उधर उड़ना पसंद करता है, इसलिए बेहतर है एक पैर के लिए केज की ऊंचाई और चौड़ाई 1.5x1.5 हो और लंबाई 2 फुट हो। अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो 3 पैर के लिए 2.5x2, 5 पैर के लिए 3x3, 7 पैर के लिए 3.5x3, यानी 2 पैर बढ़ाते जाएंगे तो पिंजरा भी आधा फुट बढ़ाते जाएं। इनकी मटकी का रुख इस तरह हो कि इनको अंडों और बच्चों पर बैठा हुआ कोई देख ना सके। अगर आप बाहर की तरफ रुख करके लगाएंगे तो ये किसी को सामने से गुजरता हुआ देखेंगे तो फौरन घोंसले से बाहर आ जाएंगी। खासतौर पर रात को जब ये डर कर बाहर आते हैं तो वापस अंदर नहीं जाते, जिससे इनके अंडे और बच्चे एक्सपायर होने का चांस ज्यादा होता है। केज में स्टिक हमेशा लकड़ी की लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। लकड़ी की स्टिंग फिंच के पाओं पर किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देती। स्टिक 2 लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक स्टिक से दूसरी स्टिक पर इधर उधर उड़कर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। ज़ेब्रा फिंच का बाजार से मिक्स दाना खरीदने से बेहतर है दाना अलग अलग खरीद कर घर में खुद तैयार करें। ये बिल्कुल बारीक दाना खाता है, जिसमें इसका सबसे पसंदीदा दाना बारीक कंगनी है। आपने 1 किलो बारीक कंगनी, 1 पाव मोटी कंगनी जिसे चीना भी कहते हैं, 1 पाव लाल कंगनी, 1 पाव बारीक बाजरा, बाजरा ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं, 1 पाव कनेरी सीड, ये दाना मिक्स करके फिंच को हर मौसम में खिला सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में 50 ग्राम खशखास भी मिला सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, ऐसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में दाने में मिक्स करके इस्तेमाल करवाना है, और सर्दियों के मौसम में जंबो फिंच के लिए 1/2 पाव सरसों के बीज भी मिला सकते हैं। 50 ग्राम सफेद या काले तिल दोनों में से जो मिल जाए हर किस्म के फिंच को खिला सकते हैं। सर्दियों में 1/2 पाव सूरजमुखी के बीज भी इसमें शामिल करके खिला सकते हैं, लेकिन इसको किसी ग्राइंडर से ग्राइंड करके दाने में मिक्स करना है। अगर आप डब के लिए दाना बना रहे हैं तो बाजरे की मकदार ज्यादा रखें, लेकिन अगर फिंच के लिए मिक्स दाना बना रहे हैं तो बारीक कंगनी की मकदार ज्यादा होनी चाहिए। 1 किलो बारीक कंगनी में 1 पाव मोटी कंगनी, 1 पाव लाल कंगनी, 1 पाव बारीक बाजरा, ये चारों चीजें मिक्स करके फिंच को जरूर खिलाएं। आप इसमें 1 पाव कनेरी सीड भी मिक्स कर सकते हैं। गर्मियों में 50 ग्राम खशखास मिला दें। अगर आप सर्दियों के लिए दाना तैयार कर रहे हैं तो 1/2 पाव सरसों के बीज, 50 ग्राम सफेद या काले तिल, इन चीजों के अलावा आप 1/2 पाव सूरजमुखी के बीज भी इसमें मिक्स करके खिला सकते हैं, लेकिन पहले इसे किसी ग्राइंडर से अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। जब ये इस तरह बारीक हो जाएं तो दानों में मिक्स कर दें। इससे आपके परिंदे शदीद सर्दी से महफूज रहेंगे। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये दाना फिंच के लिए सबसे बेहतरीन दाना है। ज़ेब्रा फिंच को आप उबला हुआ अंडा जरूर खिलाया करें। ये आप डबल रोटी, केक या उबले हुए चावलों में मिक्स करके खिला सकते हैं। चावल रात को भिगो दें, सुबह 2-3 मिनट के लिए उबाल लें। इस तरह चावल चिपचिपे नहीं बनेंगे और परिंदों के लिए भी मुफीद होंगे। अंडे को आपने अच्छी तरह उबाल कर सर्व करना है, फिर इस तरह बारीक करके चावलों में मिक्स करके खिलाना है। ये आप हर मौसम में हफ्ते में 2 दिन अपने फिंच को खिला सकते हैं। ज्यादातर लोग अंडा डबल रोटी मिक्स करके फिंच को देते हैं,
डबर और टी का चूरा बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बेहतर है आप केक या खुश केक में अंडा मिक्स करके खिलाएं। फिंच भी खुश्क सॉफ्ट फूड खाना ज्यादा पसंद करता है और खुश केक का चूरा बनाना भी बहुत आसान है। केक को आप इस तरह बिल्कुल ब्रीक कर लें या डबल रोटी और केक दोनों को ऐसे ब्रीक करके इसमें अंडा मिक्स करके खिलाएं। आप केक को कूट कर भी ऐसे ब्रीक कर सकते हैं, ग्राइंडर से ग्राइंड करके भी ब्रीक कर सकते हैं और हाथ से भी, जैसे आपको आसान लगे आप ब्रीक कर लें। फिर इसके बाद इसके अंदर अंडे का चूरा भी इस तरह ब्रीक करके मिक्स कर दें। अगर आपने ज़ेब्रा फिंच से सारा साल ब्रीड लेना है तो ये सॉफ्ट फूड काफी नहीं, आपने इसमें अंडों के छिलकों का पाउडर बनाकर मिक्स करना है। अंडों के छिलके आप किसी बर्गर शॉर्मे वाली शॉप से फ्री में ले सकते हैं। छिलकों को पानी में उबालकर गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में रख के खुश कर लें, फिर कोट कर पाउडर बना लें। जितना ब्रीक करेंगे उतना अच्छा है। इस पाउडर का आधा चम्मच आपने सॉफ्ट फूड में मिक्स करके खिलाना है। इसका एक चम्मच ज़ेब्रा फिंच के 10 पेयर के सॉफ्ट फूड के लिए काफी है। इसे आप इस तरह सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर खिला सकते हैं। इसके अलावा समुद्री जाग, जिसे कटल फिश बॉन भी कहते हैं, ये भी फिंच के लिए बहुत जरूरी है। इसका टुकड़ा भी केज में रख सकते हैं और पाउडर बनाकर भी केज में रख सकते हैं, या फिर इसका पाउडर सॉफ्ट फूड पर छिड़कर फिंच को खिला सकते हैं। ये भी 10 पेयर के लिए कटलफिश बॉन का एक चम्मच काफी है। ये आप सुबह के वक्त से लेकर दोपहर के वक्त तक खिला सकते हैं, शाम को या रात को नहीं खिलाना। कोई भी सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को इतना खिलाना है जितना वो 1-2 घंटे में खाकर खत्म कर दे। गर्मियों में हफ्ते में 1-2 बार थोड़ी मकदार में और सर्दियों में 1 दिन छोड़कर खिला सकते हैं। कोशिश करें अंडे के छिलके और समुद्री जाग यानी कटल फिश बॉन का पाउडर बनाकर मिक्स करके रख लें, और जब सॉफ्ट फूड अपने बर्ड को देने लगे तो अपने परिंदों के हिसाब से 1-2 चम्मच सॉफ्ट फूड में मिक्स करके अपने परिंदों के हिसाब से उनको खिला सकते हैं। एग फूड के अलावा सॉफ्ट फूड में आप काले चने, साबुत सब्ज मूंग और मकई, इसका सॉफ्ट फूड बनाकर फिंच को खिला सकते हैं। काले चने, सब्ज मूंग और मकई को मिक्स करके पानी से धो लें। पानी डालकर 1 चम्मच सेब का सिरका भी इसमें शामिल करके रात को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन दानों से पानी अच्छी तरह निकालकर खुश कर लें। रात को भिगोने से आपके दाने इस कंडीशन में आ जाएंगे। इनको कूट कर ब्रीक कर लें या मैश कर लें या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लें, जैसा आपको आसान लगे आप इसको ब्रीक करके फिंच को खिला सकते हैं। ये भी आपने 1 पेयर को 1 चम्मच देना है। इसके अलावा मकई की दूध या नरम छली भी फिंच को खिला सकते हैं। छली के दानों को आप इस तरह उतार लें, ये भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। बहुत ज्यादा सर्दी में आप इनके दानों में 4 अदद मछली तेल के कैप्सूल का लिक्विड निकालकर भी खिला सकते हैं। अगर कैप्सूल ना मिले तो इसकी जगह पर जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप सॉफ्ट फूड में भी मिक्स करके खिला सकते हैं और दानों में मिक्स करके भी खिला सकते हैं। मिक्स करने का तरीका यह है कि तकरीबन 1/2 किलो दानों को हल्की आग पर हल्का सा गर्म कर लें। इसमें 4 अदद फिश ऑयल के कैप्सूल का लिक्विड निकालकर मिक्स कर लें। अगर कैप्सूल ना मिले तो जैतून का तेल का 1 चम्मच मिला लें। सर्दियों में परिंदे पर फैलाकर बैठ जाते हैं। फिंच को ज्यादा सर्दी लगे तो एक्सपायर होने का खतरा होता है, इससे फिंच ज्यादा सर्दी से महफूज रहेंगे। अब ये दाने दूसरे दानों में मिक्स कर लें। फिंच से लगातार ब्रीड लें तो इसमें कैल्शियम की कमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से फिंच 2-3 अच्छी ब्रीड करने के बाद अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देते हैं। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कटल फिश बॉन यानी समुद्री जाग को आप साबुत भी केज में रख सकते हैं और पाउडर बनाकर किसी बर्तन में या फिर सॉफ्ट फूड में मिक्स करके भी खिला सकते हैं, जिसका तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक को आप बाजार से लेकर पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर कैल्शियम ब्लॉक बनाने की वीडियो देखकर घर में खुद तैयार कर सकते हैं। कैल्शियम वाली मट्टी भी बनाकर खिला सकते हैं, ये मट्टी बनाने की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। इसके अलावा काला नमक भी फिंच के मैदे और हाजमे के लिए बेहद मुफीद है। पिसा हुआ काला नमक, समुद्री जाग, कैल्शियम वाली मट्टी को आप अलग अलग केज में भी रख सकते हैं और तीनों को मिक्स करके भी खिला सकते हैं, और ये मट्टी आप फिंच के अलावा दूसरे परिंदों को भी खिला सकते हैं। पानी आपने दिन में 2 मरतबा ताज़ा और साफ देना है। सर्दियों में पानी नीम गर्म और गर्मियों में नॉर्मल देना है। फिंच को आप कैल्शियम पी और वाइल्डलैंड एम वाला सिरप पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं। अक्सर देखने में आया है कि लोग फिंच को कॉलोनियों में रखकर लगातार सारा साल ब्रीड लेते हैं, जिससे फिंच में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन सिरप के देने से फिंच के अंडों और बच्चों की तादाद में इजाफा होगा। ये सिरप आपने 1 दिन के वक्फे से देना है, यानी 1 दिन कैल्शियम पी वाला सिरप दे दिया, अगले दिन सादा पानी और उसके अगले दिन वाइल्डलैंड एम वाला सिरप देना है। 1 पेयर के लिए इतना सिरप काफी है। अगर ज्यादा पेयर हैं तो 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच से भी कम डालकर मिक्स करके देना है। याद रहे आपने 1 दिन कैल्शियम पी और 2 दिन बाद वाइल्डलैंड एम वाला सिरप देना है। सिरप को मिक्स करने के बाद ये पानी परिंदों के बर्तन में डाल दें। गर्मियों के मौसम में आप ORS के 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके ये पानी भी अपने फिंच को पिला सकते हैं। फिंच के लिए ऐसा पानी का बर्तन केज में जरूर रखें। गर्मी हो या सर्दी, फिंच नहाना बहुत पसंद करते हैं। नहाने से इनके पानी के बर्तन से पानी खत्म हो जाए तो ये प्यास की वजह से 1 ही दिन में एक्सपायर हो जाते हैं।
कोशिश करें इनके नहाने के लिए ट्रे या कनाली नुमा बर्तन अलग से रखें और पीने के लिए अलग से ऐसा बर्तन रखें। पानी ज्यादा गहरे बर्तन में नहीं देना, क्योंकि फिंच के बच्चे जब घोंसले से बाहर निकलते हैं तो पानी में गिरकर एक्सपायर हो जाते हैं। सर्दियों में आपने ट्रे में नीम गर्म पानी रखना है और रात को खुला पानी केज में नहीं रखना, खासकर अगर सर्दियों के मौसम में ये रात को गीले हो गए तो सुबह तक एक्सपायर हो सकते हैं। गर्मियों के ग्रीन फूड नोट कर लें, जिसमें सलाद के पत्ते, बंद गोभी के पत्ते, पुदीना के पत्ते, चुकंदर, जो फिंच के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा गर्मियों में गाजर मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कद्दू और लौकी दोनों में से जो मिल जाए खिला सकते हैं। इसके अलावा टींडे भी खिला सकते हैं और खीरा, ये फिंच के जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। और मटर के दाने निकाल कर कूट कर ये भी खिला सकते हैं। रवाई की फलियों के बीज निकाल कर आप ये भी अपने फिंच को खिला सकते हैं। सर्दियों के ग्रीन फूड में आप पालक, मेथी और लहसुन को ब्रीक करके खिला सकते हैं। इसके अलावा गाजर और चुकंदर सर्दियों में आसानी से मिल जाती है, ये आप कद्दूकस करके खिला सकते हैं। फिंच क्योंकि बहुत छोटे साइज का परिंदा है, इसलिए इन चीज़ों को काटने के लिए आपको इस तरह के छोटे या बड़े कश की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम चीज़ों को आप इस तरह ब्रीक कर लें। एक बात हमेशा याद रखें, एक ही किस्म के सब्जी या फल लगातार अपने फिंच को ना खिलाएं। अगर आप 2-3 चीज़ें मिक्स करके अपने फिंच को खिला रहे हैं तो रोज़ाना खिला सकते हैं। एक जोड़े के लिए एक चम्मच काफ़ी है। मसलन अगर आपके पास कॉलोनी में 10 जोड़े हैं तो उनके लिए 10 चम्मच काफ़ी हैं। इसी तरह आप सेब भी कश करके खिला सकते हैं। पालक, मेथी, पुदीना की डंडियां नहीं खिलाना, सिर्फ पत्तों को ब्रेक काट कर खिलाना है। इसी तरह आप गोभी और सलाद के पत्तों के भी कश नहीं कर सकते तो उनको छुरी से जितना मुमकिन हो सके ब्रेक करके खिलाएं। लोबिया के बीज निकाल कर खिलाएं और मटर के दाने निकाल कर कूट कर ब्रेक करके खिलाएं। मटर भी फिंच बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपके फिंच ये सब नहीं खा रहे तो बाजार से खुश केक या रस लेकर उसका चूरा बनाकर उसमें मिक्स करके दें, या बिस्कुट का चूरा बनाकर वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये फिंच के लिए बेहतरीन ग्रीन फूड है। ये आप एक दिन के वक्फे से अपने फिंच को खिला सकते हैं। एक पेड़ के लिए इतनी मकदार काफ़ी है। इसके अलावा ग्रीन फूड में आप बाजरे और गंदम का स्प्राउट बनाकर भी खिला सकते हैं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अगर आपने फिंच की कॉलोनी बनाई है तो जब सारे पेड़ नेस्टिंग कर लें तो नेस्टिंग मटेरियल कॉलोनी में ना रखें, क्योंकि ये नेस्टिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं और अपने अंडों और बच्चों के ऊपर घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके अंडे और बच्चे एक्सपायर होने का खतरा होता है। अगर आप केज से घास बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो ये एक दूसरे के घोंसले से घास खींचते हैं, जिससे इनके अंडे और बच्चे घोंसले से बाहर गिरकर एक्सपायर होने का खतरा होता है। इसलिए जिन मटकियों में घास नहीं उनमें खुद रख दें, बाकी घास वगैरह उठा लें। ज़ेब्रा फिंच इंसानों से दूर रहना पसंद करती हैं, इसलिए इसका पिंजरा ऐसी जगह रखें जहां इंसानों की आमदरफ्त कम से कम हो। कोई कुत्ता बिल्ली पिंजरे के पास ना हो, वरना ये ब्रीड नहीं करेंगे। अगर इंसानों के गुजरने की जगह रखना है तो चारों तरफ ग्रीन शीट लगा दें। कोई धागा या कोई ऐसा कपड़ा या बोरी जिसके धागे निकलते हों वो केज के पास ना हो, क्योंकि धागा इनके या इनके बच्चों के गलों में फंस सकता है। कॉलोनी में ज़ेब्रा फिंच ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ खेलने में और इधर उधर उड़ने में मगन रहते हैं। पिंजरे के बाहर क्या हो रहा है इकट्ठा रहने से ज़्यादा ध्यान नहीं देते और डरते भी बहुत कम हैं। पिंजरे को हवादार और खुली जगह पर रखें। पिंजरा ऐसी जगह रखें जहाँ सुबह के वक्त ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए इनको लगे, और अगर पिंजरा ऐसी जगह है जहाँ शाम की ठंडी धूप 1-2 घंटे के लिए आती हो तो भी ठीक है। पिंजरे को आपने तेज़ धूप और ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना। बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में आपने कॉलोनी या केज या फिर जिस कमरे में फिंच रखे हैं उसमें बल्ब या गर्म हीटर ज़रूर लगाना है। जब मादा अंडों पर बैठती है तो नर किसी दूसरी मादी से भी मीटिंग कर लेता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि ये अपने जोड़े का साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ गर्भाशय। ये बहुत कम बीमार होती हैं। आपने इनको सर्दी से बचाना है, और सर्दी की वजह से नज़ला और जुकाम की बीमारी आती है, जिसके लिए पिंजरे को सर्दियों में डांप कर रखें और गर्म खुराकें जो मैं बता चुका हूँ वो खिलाएं। पिंजरे की सफाई ना करने की वजह से रेड माइट्स पैदा हो जाते हैं, जो इनके जिस्म पर चिमड़ कर इनका खून चूसते हैं, जिसकी वजह से ये अपने परों को खुजाते रहते हैं। हमेशा पिंजरे की सफाई रखें। पिंजरे के इर्द गिर्द कोपेक्स पाउडर का छिड़काव किया करें ताकि कीड़े मकौड़े इनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। कोपेक्स पाउडर को आप पिंजरे के अंदर ज्यादा ना छिड़कें, वरना ये पाउडर खा लेती हैं, जिससे ये बीमार हो जाती हैं। इनकी चोंच पर नाक के करीब खुश्की जमा हो जाती है, जो असल में कीड़े होते हैं, जो मेडिसिन लगाने से ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी मालूमात मिली होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस करके ऑल कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।